ऐसे परवलयों के जो दिया गया है इसमें प्रश्न है, ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ऐसे अति परवलयों के जो है कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो मान लिया हाइपरबोला, जिनको हम अति परवलय कहते हैं, हाइपरबोला से एच से जिनको हम जिनके कुल का मान लिया अति परवलयों के कुल को एच से निरूपित किया गया है, यहाँ निरूपित कर रहे हैं, जिसका जिनका केंद्र जो है आपका, जिनकी नाभियां केंद्र जिनका मूलबिंदु है और नाभियां जिनकी एक्स अक्ष पर है। हल में माना ऐसे अति परवलयों के, ऐसे अति परवलयों के कुल को एच, जिसको हम हाइपरबोला, माना ऐसे अति परवलयों के कुल को एच से निरूपित किया गया है, जिनका केंद्र मूल बिंदु एवं नाभियां एक्स अक्ष पर है। इस कुल के किसी दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक यहां हम लेते हैं। इस कुल के ऐसे अति प्रबलय की जो है यहाँ हमने जो लिया है, इसकी नाभियों को हमने कहा, इसके अति प्रबलय की जो नाभियां है इनको हमने कहा, जैसे अति प्रबलय की नाभि AE0 और माइनस का AE0, और जहां हम AE0 जो हम नाभियां लेते तो AE0 और माइनस AE0, तो यहाँ हमने इनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है, तो माइनस का ए जीरो और प्लस का ए जीरो जो है बाईं ओर होगा एक्स एक्स पर, तो माइनस का ए जीरो, दाईं ओर होगा तो प्लस का ए कॉमा जीरो। तो यहाँ नाभियां एक्स पर है जिनका केंद्र मूल बिंदु जीरो जीरो एवं नाभियां एक्स एक्स पर है। ऐसे अति प्रबलों के जो है उनमें से किसी कुल का एक समीकरण जो है इनमें एक्स एक्स पर है और केंद्र जो है मूल बिंदु है, तो ऐसे अति प्रबलों के कुल का समीकरण इस कुल के अति परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक है। इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक इस कुल के हमने अति प्रबलय का समीकरण लिया। तो हल में हमने यहाँ अति प्रबलय के समीकरण को, जैसे हमने यहाँ हमें इसका हमने अवकलन किया, अवकलन करने पर यहाँ हम अवकलित करते हैं, तो अवकलन करने पर यहाँ हम निकाल लेते हैं इसका मान, चूंकि जैसा दिया गया है वैसा ही हम इसका मान निकाल करके, और इसे क्योंकि यहाँ से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है इसको हम इनके मान ज्ञात करके और इन्हें इस तरह से बना सकते हैं जैसा कि दिया गया है। तो हम यहाँ इसको
इस तरह कर लेते हैं, जैसे ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर जो है एक है, तो इसका हमने अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो हमने कहा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y dy अपॉन dx बटे b स्क्वायर बराबर जीरो, और 2x अपॉन ए स्क्वायर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या यहां लिखा हमने या x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डीवाई अपॉन डी एक्स बटे बी स्क्वायर बराबर जीरो, या x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसको हम यहां लिखने पक्षांतरण कर दें, या यहां लिखते हैं या x अपॉन ए स्क्वायर बराबर y अपॉन बी स्क्वायर डीवाई बटे डी एक्स, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y बटे x और a बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन x डीवाई अपॉन डी एक्स, समीकरण एक हो गया। पुनः इसका हमने अवकलन किया x अपॉन ए स्क्वायर, इसका हमने पुनः एक समीकरण नंबर दिया इसको, और इसका हमने पुनः अवकलन किया, तो अवकलन करने पर यहां हमने देखा जो दिया गया था उसका हमने दूसरी बार जब अवकलन किया इसका हमने, तो अवकलन करने पर यहां देखा इसको हम जैसे यहां लिखेंगे तो अवकलन के रूप में जैसे हमने यहां लिखा था ये दिया गया था इसका हमने पुनः अवकलन किया। अब जब हमने पुनः अवकलन किया तो वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर अभी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, पुनः एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया हमने तो यहां हो गया क्या हुआ, अवकलन करने पर हमने देखा यहां आया वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर, अब दो पद हो गए y पहला पद इसका अवकलन किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा पद डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई अर्थात इसका होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसको हमने ऐसे लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अर्थात इसका होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहां जब हम लिखेंगे तो यहां इसका होल स्क्वायर हो गया जैसे लिखा तो यहाँ इसका होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर होने से हमने इसको इस तरह से बनाया और इसे हल किया हमने बना करके, तो हल करने पर हमने देखा जो यहाँ इसके साथ में जो आ रहा है उसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हम यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसको यहाँ लिखा या बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर y d2 y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये बन गया, ये हो गया समीकरण नंबर दो, समीकरण एक था ये हो गया समीकरण दो। समीकरण एक और दो से अब दोनों को हमने क्या रखा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों को बराबर रख दिया समीकरण एक और दो से,
पुनः हमने लिखा यहां समीकरण एक व दो से, एक व दो से, एक और दो से क्या पाया हमने, यहां y, यहां लिख रहे हैं एक और दो से y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह से y जो अपॉन x था इसका हमने जो है x का इसमें गुणा कर दिया, x से गुणा करके यही हमने बना लिया। इसके साथ इसे हमने, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। या आप पक्षांतरण कर लीजिए और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेकर के इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, या जैसा लिखा हुआ है वैसे भी हम इसे लिख सकते हैं। और लिख करके यहाँ ये जो आपका जो बना हुआ है इसे हमने इस तरह से पक्षांतरण किया, और पक्षांतरण करके इसको हम ऐसे भी लिख लें कि एक तरफ बराबर में जीरो कर दें, या एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला इसका ये सम हो गया। अब इसको हम अगले में इसमें देखते हैं, देखिए और रिमनेंट जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं उनको हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं, शेष इसी तरह के जैसे परवलय से है, वृत्त से संबंधित प्रश्न है, हमने वृत्त का भी बताया, परवलय का भी बताया और अति परवलय से भी लिया। अगर कोई क्वेश्चन इससे आता है तो आप वृत्त से आता है तो वृत्त के प्रश्न का कर सकते हो, अति परवलय से आता है तो अति परवलय के प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। इस तरह से सभी तरह के क्वेश्चन लगभग हमने आपको जिसमें से इस एक्सरसाइज में जो लगभग वृत्त है, परवलय है, दीर्घ वृत्त है, इनको सबको बताया। अब आप इनमें जो है जो दिए गए हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, इसको थोड़ा सा हम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो हम एक लास्ट और बता दे रहे हैं, हालांकि इसको भी हम बता चुके हैं फिर भी वृत्त से संबंधित है इसे हम फिर भी ले लेते हैं। एक प्रश्न क्रमांक 23 इसका अंतिम प्रश्न है, 127 का, इसे भी हम ले ले रहे हैं, बता देते हैं आपको, सिंपल है हालांकि अच्छा प्रश्न है, लेकिन और खास तौर से जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको जरूर ही लगाइए, आप लगाने का प्रयास करिए। प्रथम चतुर्थांश में ऐसे व्रतों के कुल का अवकल समीकरण, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं,
जो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं तो ऐसे वृत्तों का जो है कुल का समीकरण, तो वृत्तों के कुल के समीकरण को तो हम सामान्य में लिख लेते हैं, प्रथम चतुर्थांशों में वृत्तों के कुल का जो है अवकल कुल का समीकरण मान लिया हमने जो है सर्किल को सी से निरूपित करते हैं, और जो दोनों अक्षों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है हल में, यहां माना प्रथम चतुर्थांश माना प्रथम चतुर्थांश में वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण जो दोनों निर्देशांक अक्षों को जो है स्पर्श करते हैं, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण माना प्रथम चतुर्थांश में माना प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के माना प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल को वृत्तों के कुल का समीकरण माना प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल के समीकरण को या सी से निरूपित किया गया, तो हम यह मान लेते माना प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण जो दोनों निर्देशांक उनका समीकरण दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं निम्न है, क्योंकि दोनों अक्षों को निर्वस्त स्पर्श करता है प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब केंद्र का x निर्देशांक बराबर केंद्र का y निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या, निम्न है, तो इसके लिए हमने केंद्र का x निर्देशांक बराबर केंद्र का y निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या
तो केंद्र हो गया, केंद्र ए कॉमा ए एवं त्रिज्या आर बराबर ए। वृत्त का समीकरण एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहां हम ऐसे वृत्त को जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है y y डैश x x डैश ओ जीरो जीरो, ये सेंटर हो गया इसका a कॉमा a निर्देशांक हो गए ओ डैश। यहां से यहां की दूरी ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो गई और यहां से ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो गई। दोनों बिंदुओं पर यहां वृत्त स्पर्श करता है, इसको दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने की स्थिति में इन दोनों को जो हमने जो त्रिज्या के बराबर है ये बिंदु, इनको हमने ऐसे लिख दिया। एक बिंदु को यहाँ लिखा हमने ए, एक बिंदु बी, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ए भी ए हो गया और ये भी ए के बराबर है। तो इस तरह से वृत्त के केंद्र का, तो हमने वृत्त का समीकरण लिखा, ये हो गया वृत्त का समीकरण। अब समीकरण एक है, वृत्त के समीकरण का जैसे हमने जो दिया गया है इसमें हमने सबसे पहला कार्य जैसे ये दिया है वैसे ही हमने इसका अवकलन किया, यहां इसका हमने अवकलन कर दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो यहां हुआ x माइनस ए का होल स्क्वायर 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। और तब x माइनस ए इसको हमने इस तरह से लिखा, और या इसको हम ऐसा लिख दें दो का पूरे में भाग दे दें, या x माइनस ए प्लस का वाई माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। चूंकि ए स्वेच्छ अचर है इसलिए इसका अवकल गुणांक स्क्वायर का जीरो हो गया, और निकाल करके हमने तब इसे इस तरह से लिखा और ये जीरो के बराबर होने से अब यहाँ इसका मान हमने निकाल लिया। दो तरीके ए के मान को निकालने के लिए हम यहाँ इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक्स है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ हमने रखा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का a डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस का a कॉमन ले लिया, वन प्लस डी वाई अपॉन इज इक्वल टू जीरो, और इसको इस तरफ कर दिया। या x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a वन प्लस dy अपॉन डी एक्स, वन प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स, और a बराबर मान निकाल करके, चूंकि a का मान निकाल लिया हमने इससे, तो यहां और इसको हमने जो है क्या किया, पुनः है इसका जो हमने a का मान निकाला, मान निकाल के जो समीकरण दिया गया उस समीकरण में इस मान को जो हम केवल प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे दिया है निकाल करके इस मान को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं।
ए बराबर, या यहाँ ए बराबर हो गया, या ए बराबर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बटे वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मान आ गया। इस मान को उठा के हमने समीकरण एक में प्रतिस्थापित कर दिया, जो समीकरण एक दिया गया था उसमें हमने इस मान को प्रतिस्थापित कर दिया। और जब हमने इस मान को प्रतिस्थापित किया समीकरण एक में, एक का मान हमने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया, तो यही हमारा अभीष्ट अवकल समीकरण जो हम देख रहे हैं, यही अभीष्ट अवकल समीकरण हो गया। और इसे हम इस तरह से लिख करके जो दिया गया है उसे हम पूरा इसे हम इस तरह से बना लेते हैं, और बना करके इसे हम पुनः वैसे ही लिख देते हैं जैसा यह दिया गया था। तो हमने यहाँ लिया, अब समीकरण एक में इस मान को हमने रखा, समीकरण एक में ए का मान प्रतिस्थापित करने पर तो ए का अवलोकन हो जाएगा और अवकल समीकरण हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ए का अवलोकन होगा और ये अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। जिसको हमने जैसा लिखा समीकरण एक में, समीकरण एक में ए का मान प्रतिस्थापित करने पर, ए का मान यहां प्रतिस्थापित किया हमने तो x माइनस ए की जगह क्या हो गया x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बटे जो है ये पूरा, और इसको हमने चाहे तो डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखने में यदि असुविधा हो रही है तो मान लिया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो है यहाँ हमने लिख लिया, माना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई डैश, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिख दिया हमने वाई डैश, वाई डैश फिर लास्ट में हम जाके वाई डैश को पुनः इसी में जो है डी वाई अपॉन डी एक्स को जैसे लिखा था वैसे ही हमने इसको वाई डैश लिख लिया, और वाई डैश के मान को जैसे हमने यहाँ वाई का अवकलन किया था तो यहाँ वाई का अवकलन जो है वाई डैश, तो यहाँ हमने पुनः वाई डैश लिख लिया इसको, और वाई डैश लिख करके इस मान को रख दिया हमने। तो रखने में क्या हुआ, यहाँ एक्स जो दिया गया है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश बटे वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश बटे वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो यहां से हरेक से एक्स प्लस यहाँ हो गया जो हम देख रहे हैं, यहाँ इसमें नीचे एक्स के साथ जो है इसको हम लेते हैं क्योंकि जगह नीचे कम है तो पूरा यहाँ नीचे हो नहीं पाएगा। आगे की ओर हम जो इसको हल करते हैं ऊपर वाले उस भाग में हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि नीचे ये हो नहीं पाएगा, यदि हम नीचे की ओर करते हैं तो ये निश्चित रूप से दिखेगा नहीं, इसलिए अब हम आगे की ओर ऊपर वाला भाग मिटाते हैं और ऊपर इसे लिख देते हैं, और ऊपर की ओर इसको हम लिख ले रहे हैं तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से हमने इसको ऊपर ले गए और x प्लस एक्स वाई डैश माइनस का x माइनस का वाई वाई डैश बटे वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश है, तो यहां से हम इसमें से जो है कॉमन लेते तो एक्स माइनस वाई और यहाँ से एक्स तो ये कैंसिल हो ही गया, कैंसिल हो गया,
और इसमें से y डैश कॉमन आया, तो y डैश कॉमन आया x माइनस वाई हो गया, और प्लस का यहाँ वन प्लस, तो यहाँ हुआ y, यहाँ हुआ आपका y प्लस y डैश, y प्लस जो है y y डैश, y इंटू y डैश माइनस का x माइनस का y y डैश बटे वन प्लस y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y y डैश y डैश का होल स्क्वायर। और देखा हमने यहां से क्या कटा, y y डैश कट गया, यहां से x माइनस वाई, यहां से y डैश कॉमन लिया हमने, तो y डैश कॉमन लेने पर यहां हो गया हमारे पास y डैश कॉमन लिया x माइनस वाई अपॉन वन प्लस y डैश जो है यहां रहा x माइनस वाई अपॉन वन प्लस y डैश, तो यहां x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहां जो आपका दूसरा ले रहे हैं इसको हम सेम इसी रूप में जो है लिख लेते हैं, और लिख करके इनके होल स्क्वायर के रूप में हम इन्हें यहां लिख देते हैं। अब चूंकि वन प्लस वाई का वाई डैश का होल स्क्वायर ये तो पूरा खत्म हो गया, और यहां हुआ इसको हम लिख सकते हैं वाई कॉमन लिया वाई डैश सॉरी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर या बटे वाला, ये दोनों तरफ से खत्म हो गया, प्लस का यहां से एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स एक ही बात है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहां हुआ इसके बाद यहां चूंकि और यहां हुआ इस इक्वल टू यहां दोनों में जो है एक्स प्लस वाई वाई डैश का जो है यहां दिया गया एक्स प्लस वाई वाई डैश का जो है होल स्क्वायर एक्स प्लस y y डैश का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोनों में से x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ हो गया y डैश का होल स्क्वायर और प्लस का वन y डैश का होल स्क्वायर प्लस का वन और इज इक्वल टू x प्लस y y डैश का होल स्क्वायर, यही बन गया। अब हम y डैश को पुनः dy अपॉन dx लिख सकते हैं, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो यहाँ इस तरह से हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे जो दिया गया है, और इसे हम इस तरह से इसका होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं जैसा दिया था, पुनः यही समीकरण हो गया, या y डैश बराबर dy अपॉन dx रखने पर जो हमने माना था, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू x प्लस y इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, स्कूल का अभीष्ट अवकल समीकरण यही हुआ। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यही दिए हुए कुल का अभीष्ट अवकल समीकरण है, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और ये हमारा, अब इसमें जो एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप लगाइएगा, जो क्वेश्चन ना बने उन्हें आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में कई क्वेश्चन दिए गए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन्हें आप अवश्य करिएगा। फिर भी यदि किसी में कोई समस्या हो तो इन्हें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसलिए प्रयास करिए हल करने का, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी में तो आप इन्हें अवश्य पूछ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में सॉल्व दिए गए हैं, फिर भी अगर कहीं कोई असुविधा हो या समझ में ना आए तो उन्हें आप पूछ सकते हैं।